नमस्कार बिजनौर तक में आपका स्वागत है। सद्भावना मैत्री क्रिकेट मैच में धामपुर पत्रकार संघ क्लब की टीम ने 5 रनों से जीत हासिल की, चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा किया। रोमांचक रहा क्रिकेट टूर्नामेंट। धामपुर में कालागढ़ मार्ग स्थित आरएसएम इंटर कॉलेज के खेल के मैदान पर आयोजित सद्भावना मैत्री क्रिकेट टूर्नामेंट के रोमांचक मुकाबले में धामपुर पत्रकार संघ क्लब की टीम ने रोटरी क्लब धामपुर इंडस्ट्रियल एरिया की टीम को 5 रनों से हराकर चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। बालाजी स्पोर्ट्स के संचालक तरुण शर्मा द्वारा रोटरी विनर 2021 ट्रॉफी मैच जीतने वाली टीम धामपुर पत्रकार संघ क्लब के कप्तान भूपेंद्र शर्मा, सोनू सहित उप कप्तान महेश शर्मा, अंकित अग्रवाल, वसीम शेख, अक्षय अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, सनी अग्रवाल, दिनेश प्रजापति, आरके आर्य एडवोकेट, सचिन अग्रवाल, सचिन गुप्ता, अमित शर्मा अन्य खिलाड़ियों को प्रदान की गई। धामपुर पत्रकार संघ की टीम ने मैच का आयोजन करने वाली रोटरी क्लब पदाधिकारियों सहित अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। रोटरी क्लब धामपुर के अध्यक्ष संजय वर्मा एवं धामपुर पत्रकार संघ के अध्यक्ष अभिषेक गुप्ता ने सफल आयोजन के लिए सभी का आभार जताया। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। आज धामपुर पत्रकार संघ और रोटरी क्लब के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन था, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संजय वर्मा एडवोकेट, अध्यक्ष रोटरी क्लब इंडस्ट्रियल एरिया धामपुर। आज हमने रोटरी क्लब इंडस्ट्रियल एरिया बनाम धामपुर पत्रकार संघ के बीच एक मैच का आयोजन किया था। सभी को खेलों के प्रति रुझान और अपने आप को फिट रखने के लिए इस मैच का आयोजन किया गया था। वर्तमान समय में अपने आप को फिट रखना यही बहुत बड़ी बात है। तो खेलों के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्नचित रख सकते हैं। नमस्कार बिजनौर तक में आपका स्वागत है। किसानों का लाखों रुपए लेकर कोल्हू संचालक फरार हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने गन्ना कोल्हू पर जमकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे किसानों को बामुश्किल समझा बुझाकर शांत किया। आपको बताते चले कि जनपद बिजनौर के थाना हिमपुर दीपा के ग्राम रोनिया में दर्जनों किसान नगद भुगतान के लालच में अपना गन्ना कोल्हू संचालक को दे रहे थे। किसानों का आरोप है कि पहले कुछ दिन गन्ना संचालक ने भुगतान समय पर किया, लेकिन कुछ दिनों से गन्ना संचालक भुगतान करने में टाला मटोली करने लगा। आरोप है कि आज कोल्हू संचालक ने भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन किसानों के पहुंचने से पहले ही कोल्हू संचालक मौके से फरार हो गया, जिस पर गुस्साए किसानों ने कोल्हू पर जमकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा काट रहे किसानों को समझा बुझाकर शांत किया तथा आरोपी कोल्हू संचालक की तलाश में जुटी। आपका? मेरा नाम ईश्वर दयाल कन्हैया, ग्राम रोहनिया जी। बताइए क्या मामला है जो आज तुम किसान लोग आए हो यहाँ? मामला ये है कि ये पावर पार के चला रहे थे, इनके ठेके पे हमारे गांव का एक पावर था जी। गन्ना हम डाल देते हैं, 4-5 टेबलर गन्ना डाल दिया था, कुछ पैसे उन्हें दे दिए थे, 27,500 रुपये बाकी रह गए थे। वो आज देने का वायदा कर रखा था, रात में भाग गया। तो कितने किसान ऐसे हैं जिनके पैसे लेकर फरार हुआ? किसान तो बहुत हैं, कम से कम 40-50-100 होंगे ही, ज़्यादा ही होंगे। तो फिर इसकी सूचना 4-5 लाख रुपए लेकर भाग गया। पुलिस आई थी सुबह, पुलिस से यही कहा गया कि जितना सामान 4-5 लाख रुपये का सामान ही पड़ा उसका, जो इस सामान की जिम्मेदारी लेगा वही पैसे देगा, पुलिस ये कह गई। नमस्कार बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नजीबाबाद के मोहल्ला कल्लूगंज में कल देर शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कपड़े के शोरूम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक शोरूम का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना पर जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा घटना स्थल का जायजा लिया। आपको बताते चले कि जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद के मोहल्ला कल्लूगंज में दास एम्पोरियम के नाम से 3 मंजिला कपड़े का शोरूम है। बताया जाता है कि मंगलवार की देर शाम करीब 6 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। इतने कोई कुछ समझ पाता आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड ने वहां मौजूद लोगों की मदद से घंटों बाद 3 मंजिल तक लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक शोरूम का सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर जिलाधिकारी रमाकांत पांडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह, एएसपी ग्रामीण संजय सिंह सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि थाना पुलिस व फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों द्वारा आग बुझा दी गई है, कोई जनहानि नहीं हुई। आग
करीब 6 बजे के आसपास शाम को आग लगी थी। मोस्ट प्रॉब्ली ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उनके यहाँ डीजल जनरेटर के लिए शोर था तो उसके काफ़ी पड़ गया। हमारे पूरे जनपद के सारे फायर इंजन, 6 फायर इंजन हैं, वो सब काम पर लग गए हैं और लगातार आग काबू में है। सेफली हम लोगों ने अमरोहा से और मुरादाबाद से भी फायर इंजन रिक्विजिशन कर लिए थे, लेकिन अब शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आग काबू में है, कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। माल का क्या नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट धीरे धीरे किया जाएगा। फरीदाबाद के खंडूगंज मोहल्ले में बिल्कुल दास एम्पोरियम के कपड़े के दुकान में आग लग रही है। लगभग 6 बजे से बाहर की एक गाड़ियाँ लगातार आग बुझा रही हैं। दूसरे मंजिल तक आग पहुँच चुकी है। वहाँ पर डीजल पक्का हुआ था, जनरेटर था जो 20 लीटर था, उसको लेकर आग ने तेजी पकड़ लिया है। कट गलियाँ हैं, एक बार में 2 गाड़ी ही स्टार्ट हो पा रही है। तीसरे मंजिल तक पानी फेंका जा रहा है। CFO डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्षेत्र अधिकारी सभी अधिकारी वहाँ मौजूद है। पुलिस का सहयोग यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। उम्मीद है इससे कहीं आग पर काबू पा लिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के फंसे होने की सूचना नहीं है। कपड़े की दुकान में आग लगी है और आग को स्पीड से बुझाई जा रही है। 1-2 घंटे में काबू में आग।